शनिवार को नगर निगम की टीम भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। नगर निगम की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी स्टेशन पर पहुंचा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास 12,000 वर्ग फीट भूमि पर अवैध कब्जा जमा रखा था, जिसे पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया गया है। कब्जे वाली जगह पर ईरानी डेरा होने के कारण भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज की कार्रवाई टोटल जो कमर्शियल उपयोग हो रहा था, व्यावसायिक जो गतिविधियां चल रही थी, उनके विरुद्ध की जा रही है। रेवाती एरिया को अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज की कार्रवाई मात्र जो है कमर्शियल एरिया के ऊपर जो है। नगर निगम की कितनी एकड़ ज़मीन है और शासन की कितनी एकड़ ज़मीन दर्ज है, इसकी जानकारी तो आपको तहसीलदार साहब दे पाएंगे, शासकीय अभिलेख के आधार के ऊपर बता पाएंगे। दुकानें क्योंकि कच्ची निर्माण है, इसलिए उनको तोड़ा जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आज की कार्रवाई जो है मात्र व्यवसायिक उपयोग जो हो रहा था उसके तक सीमित है, और अन्य जो अतिक्रमण अगर यह शासकीय भूमि के ऊपर उसके ऊपर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।